बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। सीएनएन न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानिया का सियासी पनाह का नया मंसूबा, गैर कानूनी तरीका से दाखिल होने वाले नाअहल करार। गैर कानूनी तरीका से बरतानिया आने वालों को 28 दिन में मुल्क से निकाल दिया जाएगा। लेबर रहनुमा का कहना था, वुजरा सियासी पनाह के मामले को इंतशार का शिकार बना रहे हैं। वजन में कमी करने वाली दवा एनएचएस इंग्लैंड की जानिब से मंजूर। एनआईसीए की जानिब से कहा गया, इंजेक्शन के जरिए दी जाने वाली दवा लोगों को मुतमईन महसूस करवाती है। मशहूर दवा वैगवी को एलन मस्क समेत मुतादित स्टार्स हॉलीवुड में इस्तेमाल कर रहे हैं। इदारा मारफ़े इस्लाम में यौम विलादत इमाम आखिरुज़्ज़मा महदी अलैहिस्सलाम अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मिडलैंड्स भर से कम्युनिटी मेंबरान और अहम शख्सियात की भरपूर शिरकत। मारूफ पाकिस्तानी मनकबत खां फरहान अली वारिस ने शब बरात की फजीलत बयान की। सुदन एजुकेशन की जानिब से मुआविनीन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के एजाज़ में इशाया दिया गया। प्रोफेसर तकदीस गिलानी कहती हैं, वज़ीर आज़म सरदार तनवीर अलियास कश्मीर में सियाहत के फरोग के लिए कोशा हैं। सरदार सद्दाम नसीम ने कहा, आज़ाद कश्मीर की पजीराई में कश्मीर प्रीमियर लीग एक मौसर इकदाम है। पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में ब्रिटिश पाकिस्तानी स्टूडेंट पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब का अहतमाम। तकरीब में पाकिस्तानी तलबा समेत कम्युनिटी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। पाकिस्तानी कौंसलेट की तलबा के तमाम मसाइल के हल के लिए एक ही जगह मुहैया करने की काविश। कौंसलर जनरल अदनान रशीद ने शुरका को स्टूडेंट पोर्टल के बारे में ब्रीफिंग दी। पेरिस के रेपलिक स्क्वायर के मकाम पर सिख कम्युनिटी का मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज में सिख कम्युनिटी की जानिब से सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। शुरका का कहना था, भारत में खालिस्तान का नाम लेने वालों को गैर आइनी तरीके से कैद कर लिया जाता है। तहरीके इंसाफ की इलेक्शन मुहिम का आगाज। पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी उरूज पर। जमान पार के बाहर कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़पे, नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इमरान खान कहते हैं, मुझे एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों की जरूरत नहीं, मेरे साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। और लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 119 रन से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 विकेटों के नुकसान पर 107 रन बना सकी। लाहौर कलंदर के फखर जमान की 57 गेंदों में 115 रन की धुआंधार इनिंग। जी हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पाक मक्का मीट लिमिटेड, UK's best quality meat, approved from agency. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makka Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham. B57EJ. Contact 0121-622-1497. Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121-772-3120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी वजीर दाखिला का कहना है कि सियासी पनाह का नया मंसूबा लोगों को बरतानिया में गैर कानूनी दाखिले से रोकेगा। उन्होंने कहा कि बरतानिया में गैर कानूनी तरीके से आने वालों को 28 दिन के अंदर इंग्लिश सरजमीन से निकाल दिया जाएगा और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। जबकि लेबर पार्टी की जानिब से कहा गया कि ये मंसूबे मसाइल को बढ़ाएंगे और मुल्क में अफरा तफरी का बायस बनेंगे। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सुवेला ब्रेवरमैन ने कहा कि बरतानिया का सियासी पनाह का नया मंसूबा लोगों को बरतानिया में रहने के लिए गैर कानूनी तरीके इख्तियार करने से रोक देगा। वजीर दाखिला ने बताया कि बरतानिया में छोटी कश्तियों में आने वाले तारकिन वतन की काफी तादाद मौजूद है। वो नई कानून साजी का दिफा कर रही थी जिसका मकसद गैर कानूनी तौर पर चैनल अबूर करने वाले तमाम तारकिन वतन को रोकना है। लेबर की वेट कोपर ने वजरा पर इल्जाम लगाया कि वो इस मामले को मजीद इंतजार का शिकार बना रहे हैं। मंगल को ऐलान करदा नई तजावीज के तहत जो भी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होता है उसे सिर्फ 28 दिनों के अंदर बरतानिया से निकाल दिया जाएगा बल्कि मुस्तकबिल में बरतानवी शहरियत का दावा करने या वापस आने से भी रोक दिया जाएगा। छोटी कश्तियों में आने वालों को या तो उनके आबाई मुल्क वापस कर दिया जाएगा या फिर रवांडा की तरह किसी दूसरे महफूज मुल्क में भिजवा दिया जाएगा। टुडे प्रोग्राम में नई पॉलिसी के काबिल अमल होने और तारकिन वतन को कहां भेजे जाने के सवाल पर मोहतरमा ब्रेवरमैन ने कहा कि वो इस साल तकरीबन 40,000 या इससे ज्यादा लोगों को चैनल अबूर करने की तवक्को रखती हैं लेकिन तस्लीम किया कि तादाद 80,000 होने का इम्कान है। गुज़श्ता साल अप्रैल में बरतानिया के कुछ पनागुजीनों को रवांडा भेजने के मंसूबे का ऐलान किया गया था लेकिन अभी तक किसी को रवांडा नहीं भेजा गया और इंसानी हकूक के ग्रुपों की जानिब से इस मंसूबों को कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा रहा है। लेबर MP ने कहा कि ये मंसूबे मसाइल को मजीद खराब कर देंगे और इससे मजीद अफरातफरी का शिकार कर देंगे। उन्होंने बताया कि वहाँ वापसी के कोई मुआहदे नहीं है यानी वहाँ हजारों लोगों को पनाह देने की जगह और होटल होंगे। अक़वामे मुत्तहिदा के पनागुजीनों के इदारे ने इस इकदाम को तश्वीशनाक करार दिया। सुवेला ब्रेवरमैन ने कहा कि वुज़रा कानूनी जिम्मेदारियों की हदूद को जांचना चाहते हैं लेकिन उनका ख्याल है कि उनके मंसूबे इन हदूद में हैं। ये फ्रांस या किसी दूसरे महफूज मुल्क से आने वाले ज्यादातर लोगों को पनाह का दावा करने के हक से इनकार चाहते हैं चाहे उनके पास ऐसा करने का कोई केस हो और वजीर दाखिला पर यह फर्ज आयद होता है कि वो उन्हें जल्द अज जल्द बरतानिया से निकाले। बरतानिया से निकाले गए लोगों को मुस्तकबिल में वापस आने या बरतानवी शहरियत हासिल करने से रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नया कानून मंगल से गैर कानूनी तौर पर बरतानिया पहुंचने वाले हर फर्द पर लागू होगा। मुस्तफीन बट, CNN न्यूज, लंदन। एक और खबर से आपको आगाह करें कि पहली बार बर्मिंघम के रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद ने पार्लियामेंट में बताया कि इलीगल माइग्रेशन बिल के तहत जो कानून साजी वजीर दाखिला करना चाह रही हैं वो काबिल अमल नहीं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि इस अमल से ज़िनोफोबिया और नस्ल परस्ती को बढ़ावा मिलेगा जो कि इस हलका और आवाम के लिए साजगार नहीं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पहली बार बर्मिंघम के रुकने पार्लियामेंट खालिद महमूद ने इलीगल माइग्रेशन बिल के हवाले से पार्लियामेंट के फ्लोर पर बात करते हुए कहा कि मौजूदा वजीर दाखिला जो कानून साजी करना चाह रही है वो जानती है कि ये काबिल अमल नहीं है और इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। खालिद महमूद ने याद दहानी करते हुए पार्लियामेंट को बताया कि इनके दादा और दीगर रिश्तेदार भी कश्ती के जरिए ही बरतानिया आए थे जो बरतानवी मर्चेंट नेवी की कश्तियाँ थी। उन्होंने जंग के बाद मुल्क के लिए होने वाली कोशिशों में हिस्सा लिया और उनको नेवी का हिस्सा होने पर फख्र था। His brothers and cousins came to this country in boats, but they came through the British Merchant Navy, and they were proud British mariners who came in, set up in Newcastle, and helped the war industry, the war effort to continue with that. As a descendant of them, this Home Secretary is bringing forward legislation which she knows is not workable. Yep. She's not been able to achieve any of this. If you look at the record in terms of the non-return agreements, she doesn't have any. If you look at the policies of what she's going to deal with people that are here, she can't do anything with that. उन्होंने मजीद कहा कि अदाद और शुमार से साबित है कि नॉन रिटर्न एग्रीमेंट के हवाले से जो सबका कोशिशें की गई वो कामयाब न थी और यहाँ मौजूद अफराद के हवाले से वजीर दाखिला की जो पॉलिसियाँ हैं वो बेसूद हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त नहीं कि इसका खसूसी मकसद सियासी एजेंडा के हसूल की कोशिश करना है ताकि रेड वॉल नशिस्तों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की जा सके। उन्होंने इंतबाह किया कि इससे ज़िनोफोबिया और नस्ल परस्ती को बढ़ावा मिलेगा और ऐसी कोशिशें यहाँ के हलका और आवाम के लिए साजगार नहीं। बरतानवी हुकूमत की जानिब से साल 2012 में मुतारिफ करवाए गए होम ऑफ सिस्टम के तहत गुज़श्ता 10 साल से बरतानिया में मुस्तकिल रहायश के खां अफराद मौजूदा बेरोजगारी, महंगाई और खुराक की किल्लत के बायस परेशानी का शिकार हैं जबकि एक बालिग शख्स के लिए सेटलमेंट की लागत 12,800 पाउंड से तजावज़ कर चुकी है। अहवाल जानते हैं वसीम काजमी की इस रिपोर्ट में। बरतानवी हुकूमत की तरफ से साल 2012 में मुतारिफ करवाए जाने वाले होम ऑफ सिस्टम के तबाहकुन और तकलीफदेह असरात का तकरीबन 10 साल से सामना करने वाले ऐसे तारकिन वतन जो बरतानिया में मुस्तकिल रहायश हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं उनको होशरबा महंगाई और बेरोजगारी के बदतरीन तूफान के बायस खुराक की कमी की वजह से जान के लाले पड़ने लगे हैं। 10 वर्षों में बरतानिया में मुस्तकिल रहायश की कोशिश करने वाले आधे से ज्यादा लोगों को खुराक के हुसूल के लिए कड़ी जदोजहद का सामना है। एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि 2012 की इमिग्रेशन पॉलिसियों के असरात
आज भी अपना मौसर असर रखते हैं। बरतानिया में मुस्तकिल तौर पर आबाद होने का 10 साल रास्ता 2012 में सेक्रेटरी दाखिला थ्रेसा मे की तरफ से मुतारिफ करवाया गया, जो जानबूझकर सख्त इकदाम के सिलसिले में से एक था। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च स्टडी के मुताबिक फिलहाल या हाल ही में 300 से ज्यादा लोगों के सर्वे में ये बात सामने आई कि 62% ने बिजली, हरारती, पानी और इंटरनेट की लागत को पूरा करने के लिए भरपूर जिद्दोजहद की और 57% ने खाना खरीदने के लिए जिद्दोजहद की, जिन्हें शदीद मुश्किलात का सामना रहा। यह रास्ता उन लोगों के लिए दस्तियाब है जिनके बरतानिया से मजबूत ताल्लुकात हैं, जैसे कि एक बरतानवी बच्चा। बरतानिया में सेटलमेंट की लागत ड्रामाई तौर पर बढ़ गई है और ये शर्त अब हर बालिग के लिए 12,800 पाउंड से तजावुज कर गई है। एक अंदाजे के मुताबिक 1,70,000 अफराद में से ज्यादातर जो 10 साल रास्ते के जरिए बरतानिया में मुस्तकिल तौर पर रहने का हक हासिल करना चाहते हैं, कम तनख्वाह वाले पेशों में है। अक्सर निगहदाश्त करने वाले कारकुनान, क्लीनर्स और नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह हैं। मुहक्किकीन ने कहा कि स्कीम का डिजाइन बहुत लोगों के लिए गुर्बत और अदम तहफ्फुज़ का बायस है। दरख्वास्त दहिंदगान को 10 साल की मुसलसल कानूनी रिहाइश हासिल करना होगी इससे पहले कि वो रहने के लिए गैर मुइना मुद्दत की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे सके। इस तहकीक के शरीक जोजफीन महाजरीन के हकूक के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम प्रोक्सिस की पॉलिसी की सरबराह है। उन्होंने कहा कि आबादकारी के लिए मुख्तसर, तेज और ज्यादा सस्ते रास्तों की फौरी जरूरत है, ताकि वो लोग जो बरसों से हमारी कम्युनिटीज का हिस्सा है वो अपनी जिंदगियों के साथ आगे बढ़ सकें और मुआशरे और मईशत दोनों में पूरी तरह हिस्सा ले सकें। वसीम काजमी, CNN न्यूज, बर्मिंघम। NHS इंग्लैंड की जानिब से वजन कम करने वाली अमेरिका की मकबूल तरीन दवा वेगेवी को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई है। जल्द में इंजेक्शन के जरिए दी जाने वाली ये दवा लोगों को भरपूर और मुतमईन महसूस करवाती है, जिसकी वजह से वो कम खाते हैं। अहवाल जानते हैं डॉक्टर फिजा अकबर की इस रिपोर्ट में। अमेरिका में मकबूलियत हासिल करने वाली वजन में कमी की एक दवा को NHS ने इंग्लैंड में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सेलेंस ने नतीजा अखज़ किया कि सीमा ग्लोटाइड, जिसे विगोवी के नाम से फरोख्त किया जाता है, महफूज, मौसर और सस्ती है। जल्द में इंजेक्शन के जरिए पहुंचाई जाने वाली दवा लोगों को भरपूर और ज्यादा मुतमईन महसूस कराती है, इसलिए वो कम खाते हैं। मशहूर शख्सियात जैसे एलन मस्क ने इसे इस्तेमाल करने का दावा किया है, जो कि मुबैना तौर पर हॉलीवुड में एक जुनून के साथ इस्तेमाल हो रही है। NICE का कहना है कि अगर गजाइयात और तर्ज जिंदगी में तब्दीलियों के साथ इस्तेमाल की जाए तो सीमा ग्लोटाइड लोगों को उनके वजन में 10% से ज्यादा कमी करने में मदद कर सकती है। विगोबी के हफ्तावार एक बार इंजेक्शन एक माहिर के जरिए तजवीज करना होंगे और एक फर्द सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक दवा ले सकेगा। ये दवा ग्लूकागिन नुमा पेप्टाइड नामी हार्मोन की नकल करके भूख को दबाने के तौर पर काम करती है। ये खाने के बाद आंतों से हार्मोन खारिज होता है और आमतौर पर लोगों को पेट भरने का एहसास दिलाता है, इसलिए मजमुई तौर पर कैलोरी की मकदार को कम करने में मदद मिलती है। ये इस कदर मकबूल हुई है की अमरीका में इस वक्त बड़े पैमाने पर इसकी किल्लत है और इन लोगों के लिए बाइस तशवीश है जो तिबी वजूहत की बिना पर इस दवा पर इन्हिसार करते हैं। हुकूमती तखमीनों से जाहिर होता है की बरतानिया में मोटापे से NHS को सालाना 6.1 बिलियन पाउंड का नुकसान होता है। सीमा ग्लोटाइड फिलहाल स्कॉटलैंड में मुशावरत के तहत दस्तियाब है। वेल से तवक्को है कि वो इंग्लैंड में जारी करदा NICE रहनुमा खतूत पर अमल करेगा। और कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। बरतानिया के दूसरे शहरों की तरह बर्मिंघम में भी मौसम सर्द और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध के रोज से दर्जा हरारत -3 से 5 डिग्री तक गिर जाएगा। बरतानिया भर की तरह बर्मिंघम में भी मौसम सर्द और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। मेट ऑफिस ने पहले ही पेशीन गोई जारी कर दी थी कि बुध के रोज से दर्जा हरारत -3 से -5 डिग्री तक गिर जाने का इम्कान है और हल्की तेज बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेट ऑफिस के मुताबिक बरतानिया के बेशतर टाउन और शहरों में सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था, तहम बर्मिंघम में दोपहर से हवा के साथ हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो दिन ढलने तक तेज हो गया। दर्जा हरारत भी 0 तक जा पहुंचा। मेट ऑफिस ने रवा हफ्ते के शुरू से ही सर्द मौसम की वार्निंग जारी कर दी थी, तहम इसमें शिद्दत बुध के रोज से देखने में आई। सख्त सर्दी की ये लहर जुमे के रोज तक बरकरार रहने की तवक्को है, तहम इसके बाद भी दर्जा हरारत मनफी से मस्बत होने के बावजूद भी सिंगल हिंसों में ही रहेगा, जिसके बाद सर्दी का असर महसूस होता रहेगा। बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। ग्लोबल ट्रेवल ऑफर चीपेस्ट एयरलाइन टिकट फॉर पाकिस्तान, अफ्रीका, एशिया, USA, कैनेडा, सऊदी अरबिया एंड मेनी डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट ऑफर्स फॉर हज, उमरा एंड हॉलीडेज। फॉर बुकिंग कॉल लो 02033711336 एंड 07850214716। लाइंस ओपन 24 hours। अल कयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज।
इदारा मारफ इस्लाम बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम शब बरात के मौके पर यौम विलादत हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया, जिसमें बर्मिंघम भर से अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि पाकिस्तान के मारूफ नात खां और मनकबत खां फरहान अली वारिस ने शब बरात की फजीलत के बारे में शुरका को आगाही देते हुए कहा कि आज की रात अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने आका और मौला के जहूर की दुआ की शब है। अहवाल जानते हैं एहसन रजा की इस रिपोर्ट में। बख्शी करी सारी नमाजों को बदल के दिल नहीं रोजाए शबीर पर सजदा कराया जाएगा। यौम विलादत हजरत इमाम असर के मौके पर इदारा मारफ इस्लाम के ज़ेर एहतमाम जश्न इमाम ज़माना मुनाकिद किया गया, जिसमें मारूफ शुराए कराम और मारूफ पाकिस्तानी मनकबत खान सना खान सैयद फरहान अली वारिस ने अपने खुसूसी अंदाज में शुरका को आज की शब की फजीलत से आगाही देते हुए कहा कि आखिरी हुज्जत खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारहवें जानशीन हजरत इमाम महदी अजलुल्लाह तआला की विलादत बासआदत के पुरमुसरत मौके पर पूरी इंसानियत और आलम इस्लाम की खिदमत में हदिया तबर्रुक और तहनीत पेश करता हूँ। हजरत इमाम महदी का इंतजार न सिर्फ शिया बल्कि दुनिया का हर मजलूम और महरूम कर रहा है। हुज्जत खुदा का ये इंतजाम सबसे अजीम इबादत है। आप अलैहिस्सलाम ही वो अजीम हस्ती हैं जो जुल्म जबर से पुर इस दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। इस मौके पर कनाडा से आए हुए मारूफ शायर सैयद जाहिर नकवी ने अपनी शायरी से शुरका को खूब महसूस किया। जन्नत का नजारा कर ले, करबला का इन्हें जब्बार बना दे मौला, तो ये दुआ करता है सज्जाद मेरे बच्चों को, ये दुआ करता है सज्जाद मेरे बच्चों को, रोजा शह का तलबगार बना दे मौला। इस दौरान फरहान अली वारिस ने मनकबत पेश की तो पंडाल अली हक के नारों से गूंज उठा। पेश हम करेंगे क्या सिद्ध जाफर अपना, तो कुल यही है सरमाया, तो सोजो सलाम और मनकबत नोहा, हम यही सुनाए। फरहान अली वारिस ने सी एन एन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 15 शबान की बाबरकत सातों में अपने मरहूमीन और शहदा को अपनी दुआ में याद रखना है, वहीं कौम के बेगुनाह असीरान की जल्द रिहाई के लिए भी दुआगो हैं। ये बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज है यूके में, बर्मिंघम में खासतौर पे, बल्कि पूरे ही यूके में। लेकिन चूंकि बर्मिंघम में पिछली बार जब आए तब भी रसूल खुदा के जिक्र के साथ अहले बैत का जिक्र हुआ, और आज भी अहले बैत के जिक्र के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ, और बड़ी पुरकैफ महफिल थी। और मैं आज की इस महफिल से, आज के दिन ये पैगाम देना चाहूँगा कि इंशाल्लाह मुल्की और दुनियावी हालात बेहतर होंगे तब जब अदल का बोलबाला होगा, और अदल का बोलबाला तभी होगा कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के हुक्म से जारी करदा कानून नाफिज होगा। और वह कानून नाफिज तभी होगा कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएँगे, तो जो कमियां भी इस दौर में रह गई हैं वो सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। शुरका का कहना था कि माएं अपने बच्चों की तरबियत इस नहज पर करें कि वो इमाम असर के जहूर के लिए आमादा हों, ताकि जब इस अजीम जानशीन इलाही का जहूर हो तो हमारा शुमार भी उनकी सिपा में हो सके। एहसन रजा, CNN न्यूज बर्मिंघम। एक और खबर से आपको आगाह करें कि बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में सदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मुआविनीन के एजाज़ में इशाइया दिया गया, जिसमें हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इशाइया में आज़ाद कश्मीर में सेहत के फ़रोग़ के लिए शुरका को 7 मुख्तलिफ़ मकामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। अहवाल जानते हैं हदीका शाहीन की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर कुदरती हुसन से माला माल है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के सियाहत को फ़रोग देने के विजन के हवाले से मार्च के आखिरी हफ्ते में इब्तदाई तौर पर 7 खूबसूरत पहाड़ी मनाजर को पार्कों और व्यू पॉइंट्स में तब्दील करके दुनिया को आज़ाद कश्मीर की जानिब रागिब करेंगे। सियाहत टूरिज्म के लिए आज़ाद खत्ते में बहुत मौके मौजूद हैं। इन ख्यालात का इजहार आज़ाद कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान प्रोफेसर तकदीस गिलानी, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के स्टाफ ऑफिसर सरदार सद्दाम नसीम ने सदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर
शौकत की जानिब से दिए गए इशाइया में किया। इशाइया में रऊफ मुगल, खालिद महमूद, चौधरी शाकिर, डॉक्टर निसार और दीगर ने शिरकत की। खिताब करते हुए प्रोफेसर तकदीस गिलानी, सद्दाम नसीम ने तफसीलात बताते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में दीगर तकरीबात के अलावा खेलों और कश्मीर प्रीमियर लीग भी एक मौसर इकदाम है। इसे दुनिया भर की नजरें कश्मीर के हसीन मनाजर पर जमेंगी। गुज़श्ता साल 45 मिलियन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए आज़ाद कश्मीर के कुदरती मनाजर को देखा। अब मजीद सियाहती मुकामात को सामने रखते हुए निखार पैदा होगा। इब्तदाई तौर पर आज़ाद खित्ते के साथ मकामात पर आलमी सतह की सहूलियात फराहम करके जगह मुतारिफ करवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की कोशिशों से बैन अल-अक़वामी सतह की मल्टी नेशनल कंपनीज को आज़ाद खित्ते में इजाज़त मिलना बड़ी कामयाबी है। आज के जदीद दौर में आलमी बरादरी को अपना हमनवा बनाने के लिए ऐसे इकदाम के दूर रस नतज बरामद होते हैं। इसी मौके पर CNI न्यूज से गुफ्तगु करते हुए डॉक्टर शौकत, प्रोफेसर तकदीस गिलानी, सरदार सद्दाम नसीम और दीगर ने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान से आने वालों के एजाज में इस्तकबालिया और इनके ख्याल को सुना जाए ताकि आने वाले दिनों में ओवरसीज कम्यूनिटी आज़ाद कश्मीर में महफूज सरमायाकारी को फरोग दे सके। हमारी माशाला जो यहाँ पे कम्यूनिटी है उसको अपने बैक होम इंटरेस्ट लेना चाहिए। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट अब बहुत अच्छे इंसेंटिव दे रही है आपको, टूरिज्म सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, अपने इलाके में इन्वेस्ट करना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अगर आपने कोई काम करना है तो अपने लोगों की बेहतरी और उनकी इस्लाहात के लिए काम करें। और हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास और हम लोग पूरी तरफ से आपको हेल्प करना चाहते हैं। जो भी आप यहाँ पे कोई स्टेप लेंगे, हमने इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की है, हम IT में और टूरिज़म में काम करना चाहते हैं। और आप ये देखेंगे कि हमने तकरीबन 6000 से ज़्यादा ख्वातीन को हम ट्रेन कर रहे हैं, यूथ को ट्रेन कर रहे हैं। टूरिज़म रिसोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट के हवाले से एक अपनी तशहीर जारी की है जिसमें तमाम लोग और तमाम कंपनीज, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान में रजिस्टर हों, दुनिया में कहीं भी आपकी अगर कंपनी रजिस्टर है तो आप उस बीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं। और इंशाल्लाह हुकूमत आज़ाद कश्मीर टूरिज़म के हवाले से अपनी वाजा पॉलिसी रखती है। पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में आने के बाद 70 सालों में पहली दफ़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए सदन गली के मुकाम पर पिछले साल भी और इस साल भी जितने भी विंटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें स्कीइंग और विंटर टूरिज़्म के हवाले से एक भरपूर एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट बाह में और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में की गई है। और हुकूमत आज़ाद कश्मीर टूरिज़्म के हवाले से अपनी एक भरपूर पॉलिसी रखती है। PM का जो विज़न है ना, वो खासकर वो अहम भी बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन को वो पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। मेरी लास्ट टाइम उनसे मुलाकात भी हुई है और उन्होंने बेशुमार इस तरह के प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। मैं ओवरसीज़ कश्मीरियों को दावत भी देता हूँ, आपको किसी किस्म की सिक्योरिटी चाहिए, अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तनवीर लियास साहब आपके लिए, उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। वो क्योंकि खालिस्तान हैं भी बिजनेसमैन और वो लोगों को चाहते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर आएं और वहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि लोगों के बेरोज़गार लोगों को रोज़गार भी मिल सके। आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो बड़ा इंटरेस्ट ले रही है ओवरसीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं, और प्लस एक उनका विज़न है कि हम लोग यहाँ से अपने लोकल इलाकों में, चाहे वो लोकल स्कूल हो या हेल्थ सेंटर हो या इस तरह कोई छोटे छोटे इदारे हैं, उनको हम यहाँ से स्पॉन्सर करें और उनकी जो एनहेंसमेंट है उसके लिए हम अपना एफर्ट करें। बजाय ये कि हम चैरिटी से कोई ईस्ट अफ्रीका में दे रहे हैं, कोई बर्मा में दे रहे हैं, तो नॉर्मली एक कहावत होती है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डायस्पोरा है यहाँ पे दे रहे हैं इन अ गुड पोजीशन टू कंट्रीब्यूट बैक टू द मदर लैंड ऑफ कश्मीर, और बिलखसूस वहाँ जो एजुकेशनल और हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ का फुकदान है उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, जैसे इनकी विजन है, गवर्नमेंट की विजन है। शुरका का कहना है कि सियाहत टूरिज्म के लिए आज़ाद खित्ते में बहुत मौके मौजूद हैं, अगर इन पर काम किया जाए तो ओवरसीज कश्मीरी इन्वेस्टर्स इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान काउंसिल बर्मिंघम में पाकिस्तान स्टूडेंट पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें ब्रिटिश पाकिस्तानी तलबा के साथ साथ कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। ये पोर्टल पाकिस्तान से आए हुए तलबा को एक प्लेटफॉर्म तले इकट्ठा करने, उनके मसाइल के हल और उन्हें कौंसलेट के साथ मुंसलिक रखने का जरिया साबित होगा। रिपोर्ट करेंगे अली रजा।
برطانیہ میں ایجوکیشن کی غرض سے پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس برطانیہ آ چکے ہیں، لیکن ان کا رابطہ پاکستان ہائی کمیشن یا کونسل کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے مسائل کا حل کرنا ناممکن تھا، جس کی غرض سے ان کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے اکٹھے کرنے کے لیے برٹش پاکستانی اسٹوڈنٹ پورٹل بنایا گیا، جس کے ذریعے انٹرنیشنل اور نیشنل اسٹوڈنٹس کو اس پورٹل کے ذریعے ایک چھت کے نیچے جمع کیا جائے گا۔ پاکستان کونسلیٹ برمنگھم میں گزشتہ روز برٹش پاکستانی اسٹوڈنٹ ہوٹل کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں اسٹوڈنٹس سمیت کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی اور کونسلیٹ کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ تقریب کا آغاز وائس کونسلر جنرل بختاور میر نے اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید کرتے ہوئے کیا، جبکہ کونسلر جنرل سردار عدنان رشید نے شرکاء کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے اس پورٹل کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں تفصیل بریفنگ دی۔ اس موقع پر سردار عدنان رشید اور دیگر شرکاء نے سی این اے نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستانی کونسلیٹ نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ آج ہم یہاں جمع ہیں، لانچ ایک ایونٹ ہے ہمارا جو برٹش پاکستانی اسٹوڈنٹس پورٹل ہے، یہ ہمارے ہائی کمیشن لندن نے لانچ کیا ہے اور ہم نے اس کے کونسلیٹ میں ادھر برمنگھم میں لوگوں کو بلایا ہے۔ یہ جو ایک ہے پورٹل، یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور ینگ پروفیشنلس کو، اور وہ اس میں رجسٹر کریں اور ان کے لیے ایک آسانی ہو سکے کہ وہ نیٹورک کر سکیں، جہاں پہ مختلف مواقع ان کو میسر آ سکیں اور آؤٹ ریچ بھی ہو سکے ہمارے ساتھ ان کی، ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلے، ان کو ہمارے بارے میں پتہ چلے، ہم کیا آفر کرتے ہیں، کیا ایونٹس ہیں، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھی معلومات شیئر کریں۔ وی ہیو جسٹ اٹینڈڈ برٹش پاکستانی اسٹوڈنٹ پورٹل لانچنگ سیریمنی ان دا پاکستان ہائی کمیشن، اینڈ وی آر کولیبوریٹنگ ود دیم اینڈ وی آر ورکنگ ود دیم، and this is a very good opportunity for the British Pakistani students, and we are also helping them. MashaAllah, bahut acha initiative hai. Isse kya hoga ki jo student aa rahe hain ya jo student British Pakistani yahan pe hain, unko ek link community se link hoga, embassy se link hoga, consulate se, to jo bhi jis student ki jis expertise mein aa raha hai, kyunki being پاکستان انجینئرس فورم ہمارے ساتھ سارے جو بھی ہیں پروفیشنل ساتھ میں، تو ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے جس بھی فیلڈ سے ہیں ان کو ان سے ہم لنک اپ کر دیں گے، جس سے ان کی مینٹورشپ ہو۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی یہاں کے لاس کی، یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی، سول لا کی اور کریمنل جسٹس کی۔ اگر کسی کے ساتھ مس ہیپن ہوتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اس کو چاہیے سب سے پہلے اپنی پاکستانی کونسلیٹس سے کانٹیکٹ کرے تاکہ اس کو رائٹ پلیٹ فارم کے اوپر اس ایشو کو ریز کر کے ریزالو کیا جا سکے۔ کوئی بھی نیو اسٹوڈنٹ جو آتا ہے اس کنٹری میں، اس کے لیے کافی پرابلمز ہوتی ہیں اکوموڈیشن کو لے کے، جاب کو لے کے، تو یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ کافی ہیلپ کرتا ہے۔ اور جیسے ڈفرینٹ پیپلز جو ہیں وہ بول رہے تھے کہ ہم آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ اپرچونیٹی ہو یا انٹرنشپ سے ریلیونٹ کوئی چیز ہو یا جاب اکوموڈیشن سے ریلیونٹ کوئی چیز ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ کافی اچھا ہے۔ ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے کہ ہم ایک ایسا سیمینار آرگنائز کریں جہاں پہ امپلائرز آ کے بیٹھیں اور وہ ان کے سامنے کچھ اسٹوڈنٹس آ کے بیٹھے اور ان کو وہ جاب دے۔ فار ایگزامپل، اگر میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر ایک ایبلٹی اور تھی کہ میں نے اس کو ایجوکیشن کمپلیٹ کی، ہائر ایجوکیشن میں آ کے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ جی تمہارے پاس ایکسپیرئنس نہیں ہے اور انگلش اس کے اندر مارکیٹ میں جانے کے لیے، تو پھر مجھے کوئی والنٹیئر ورک کرنے کی، کوئی اپرینٹسشپ کی کوئی ایک اپرچونیٹی ملے، ایک موقع ملے، تو ڈیفینیٹلی ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جانے کی کوشش ضرور کروں گی۔ شرکاء نے کہا کہ پاکستانی طلباء برطانیہ میں اپنے وطن کے سفیر ہیں، ان کا ہر قدم ملک کا چہرہ پیش کرتا ہے، لہٰذا ان کو گائیڈنس مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ علی رضا، سی این اے نیوز، برمنگھم۔ اے ٹو زیڈ لرننگ سینٹر نے سب کے لیے ایک مفت فیملی فن ڈے کا اہتمام کیا، جس میں مقامی کمیونٹی نے اپنی اپنی فیملیز کے ہمراہ شرکت کی۔ یارکشائر بارٹلی میں اے ٹو زیڈ لرننگ سینٹر نے سب کے لیے ایک مفت فیملی فن ڈے کا اہتمام کیا، جس میں مقامی کمیونٹی نے اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ شرکت کی۔ ایونٹ اپنی توقعات پر پورا اترا، یہ خوشی، جوش و جذبے، مزے اور کہکہوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور جس چیز نے اس تقریب کو اور بھی خاص بنا دیا وہ یہ تھا کہ فن ڈے میں خاندانوں کے لیے مکمل طور پر مفت شرکت تھی اور فیملیز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بچوں کے لیے ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز اور بڑوں کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام تھا۔ تقریب کے اختتام پر ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے احتیاط جمع کیے گئے اور مزید احتیاط کی اپیل کی گئی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹس معاشرے میں مثبت سرگرمیوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پیرس کے ریپبلک اسکوائر کے مقام پر فرانس کی تمام سکھ کمیونٹی کی جانب سے بھارتی حکومت کے مظالم کو اجاگر کرنے اور سکھ کمیونٹی کے سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کا احوال بتائیں گے مصطفین بٹ اپنی اس رپورٹ میں۔
پیرس کے ریپلک سکوائر کے مقام پر فرانس میں تمام سکھ کمیونٹی نے مشترکہ طور پر انڈین حکومت کے مظالم اجاگر کرنے اور سکھ کمیونٹی کی سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سخت سردی اور خراب موسم کے باوجود سکھ کمیونٹی کی ایک کثیر تعداد احتجاجی مظاہرے میں شریک تھی، جس میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ احتجاجی مظاہرین نے انڈین حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں سکھ کمیونٹی کے حق کی بات کرنے والوں اور خالصتان کا نام لینے والوں کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر قید کیا جاتا ہے، اور عدالتوں کی جانب سے دی جانے والی سزا کے بعد بھی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، جو کہ جنیوا کنونشن بین الاقوامی قوانین کے خلاف اور سراسر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ انڈیا میں سکھوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے ساتھ مظالم میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ مظاہرین نے انڈین حکومت کے خلاف پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے، جن پر انڈین مظالم کے بارے میں تفصیلات درج تھی۔ احتجاج میں شامل مقررین کا کہنا تھا کہ عالمی برادری انڈیا میں سکھوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پر نوٹس لے۔ سکھوں کے ماورائے آئین قتل، جبری گمشدگی، سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے انڈیا پر دباؤ ڈالے۔ جڑے بندی سنگھ پچھلے 30-30 سال تو جیلوں کے بند نے، اپنی سزاواں بھی پوری کر چکے نے، بھارتی سرکار والوں انہوں نے رہا نہیں کیتا جا رہا۔ یہ ہے سب تو بڑا دنیا کا جینوسائڈ۔ اسی دنیا دے انسانوں نو، دنیا دیاں کنٹریاں نو بیندی کردے ہاں کہ اس دے وچ بھارتی سرکار دے تے دباؤ پا کے جڑے بندی سنگھ ہے جیلوں دے وچ، پولیٹیکل سکھ نے جیلوں دے وچ، انہاں نو رہا کرایا جاوے۔ پنجاب دے وچ جاں سینٹر گورنمنٹ دے کوئی وی سرکار ہووے، انہاں نو انصاف کسے نے وی نہیں ملیا دتا۔ پہلیاں جڑیاں سرکاراں سی انہوں نے بھی سکھ قوم نال دھکا کیتا ہے، تے جدوں دی یہ بی جے پی سرکار آئی ہے یہ ہندو ہندوازم دا نعرہ مار رہی ہے، تے دوسریاں جڑیاں گھٹ گنتی قوماں ہن انہاں نو دبا رہی ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ وہ خالصتان کے قیام تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مصطفین بٹ، سی این این نیوز، پیرس۔ اور خبر شامل کریں گے پاکستان سے، جہاں صوبہ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد زمان پارک میں عمران خان کے گھر کے باہر سیاسی کارکنان اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں ایک شخص جان بحق ہو گیا۔ عمران خان کی جانب سے انتخابی ریلی کے ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے، عوام میرے ساتھ ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے لاہور میں اپنی انتخابی ریلی کے انعقاد سے قبل دفعہ 144 کے نفاذ پر تنقید کرتے ہوئے نگران حکومت پر ان کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے محکمہ داخلہ کی جانب سے لاہور میں جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد زمان پارک کے باہر جمع ہونے والے کارکنوں کی پولیس سے جھڑپ ہوئی، اور پولیس نے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا، جس کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے انتخابی ریلی ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ علی بلال عرف ضلع شاہ کو پولیس تشدد سے بے دردی سے مارا گیا، گاڑیوں کو توڑا گیا۔ دہشت گردی کی انتہا پولیس کی وردی میں خلائی مخلوق تھی، جس نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا، جیسے لاہور کی سڑکیں مقبوضہ کشمیر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں واضح طور پر تشدد اور ریاستی تشدد کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ویڈیو میں ضلع شاہ پولیس کی گاڑی میں کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر گرفتار ہو گیا تو خان کے لیے جان بھی دے دوں گا، اور دو گھنٹے بعد ان کی موت کی خبر آ گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان نے لاہور میں پی ٹی آئی کارکنان کی ہلاکت پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے لاہور میں پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاج روکنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پرامن احتجاج کے حق میں کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں لوگوں کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے، اور سیکیورٹی فورسز کو ایسے احتجاج کو روکنا نہیں چاہیے۔ لاہور واقعے میں ہلاکت کے نتیجے میں شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن نہ ہوئے تو یہ توہین عدالت ہوگی۔ آئین کہتا ہے، سپریم کورٹ کے جج کہتے ہیں، اگر یہ نہیں کروائیں گے تو آئین اور قانون ختم ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا تھا کہ یہ چاہتے ہیں میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں یا جیل چلا جاؤں اور یہ الیکشن جیت جائیں۔ عمران خان کا کہنا تھا، قوم حکومتی جماعتوں کے خلاف ہو چکی تھی، اس لیے میں 2018 کا الیکشن جیتا۔ اب جو مہنگائی ہوئی ہے، اب تو یہ جماعتیں بالکل دفن ہو چکی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو الیکشن چاہتے ہیں، صرف بات یہ کرنی تھی کہ عقل نہیں کہتی کہ سارے الیکشن اکٹھے کروا دیں۔ ملک کا بھی فائدہ ہے، عوام کو چننے دو کہ وہ کسے چاہتے ہیں، جو حکومت آئے گی وہ مسئلے حل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ عوام ہے، مجھے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے، جہاں راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان سپر لیگ کے 8th سیزن میں لاہور قلندر نے اسلام آباد یونائٹڈ کو 119 رن سے شکست دے دی، جبکہ اعظم خان ہاتھ زخمی ہونے کی وجہ سے بیٹنگ کرنے نہیں آ سکے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए लीग के 26वें मैच में इस्लामाबाद 15.1 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 107 रन बना सकी। आजम खान हाथ जख्मी होने की वजह से बैटिंग करने नहीं आ सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से हसन अली 18, एलेक्स हेल्स 18, रहमान गरबाज 15, कप्तान शादाब खान 12, कोलन मनरू 11, मोहम्मद वसीम 8 और मुबसर खान 3 रन बनाकर आउट हुए। लाहौर कलंदर की जानिब से राशिद खान ने 4 जबकि जमान खान और हारिस रऊफ ने 2-2 और डेविड वेजन ने 1 विकेट हासिल की। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 226 रन स्कोर किए। लाहौर कलंदर की जानिब से फखर जमान ने 57 गेंदों पर 8 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 115 रन की धुआंधार इनिंग खेली। कामरान गुलाम 41, सैम बिलिंग्स 32, डेविड वीजे 6 और अब्दुल्ला शफीक 1 रन बनाकर आउट हुए जबकि राशिद खान 15 और सिकंदर रजा 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से फजलुल हक फारूकी ने 3 जबकि हसन अली और मोहम्मद वसीम ने 1-1 विकेट हासिल की। न्यूज स्टूडियो से फिलवक इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnnews.tv और आप देखते रहिए CNN News।